हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर टीना कुमार। आज मैं आपको बताना चाहूँगी सौंदर्य समस्याओं के बारे में कि आजकल बहुत आम समस्याएं हो गई हैं। क्या क्या सौंदर्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे झाइयाँ, धुरियाँ, अनचाहे बाल, कालापन, मुहासे और मच्छे, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगी मुहासों के बारे में, यानी कि पिंपल। ये क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका? मुहासे होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अपने स्किन में अगर ऑयल ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो मुहासे हो सकते हैं। कॉस्मेटिक मेकअप का ज़्यादा यूज़ करें तो भी मुहासे हो सकते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से मुहासे हो सकते हैं। जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाने से मुहासे हो सकते हैं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से मुहासे हो सकते हैं। पॉल्यूशन से हो सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी को पीरियड से पहले या पीरियड्स के टाइम या पीरियड्स के बाद अगर मुहासे हो तो हो सकते हैं। और हार्मोनल मेडिसिन लेने के कारण भी मुहासे हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं मुहासों के। लेकिन अब मैं इस मुहासे से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय आपको बताना चाह रही हूँ। आप इसको ज़रूर आजमाएं, आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप इसको आजमा कर देखें। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी टूथपेस्ट के बारे में। आप सफ़ेद कलर का टूथपेस्ट लीजिएगा और उसको पिंपल्स में लगाइए। आप पिंपल्स में लगाइए और जब ये सूख जाए तो उसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिएगा। इसे आप अगर रात भर लगा कर सोएंगे और सुबह वॉश करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक। दूसरा मैं आपको बताऊँगी एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल पाया जाता है। इसके आप एलोवेरा की एक डंडी लीजिएगा और उसको तोड़ करके उसका जेल निकालिए। जेल आप उसके अपने पिंपल्स में लगाइए। आप चाहे तो पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं और जब ये सूख जाए इसे उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से धो लें। अब अगर आपको एकदम स्टार्टिंग में पिंपल्स हो तो आप बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए और साफ कपड़े में बांध करके आप पिंपल्स में लगाइएगा और तो आपके पिंपल्स तुरंत बैठ जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा और आराम मिलेगा। चौथा मैं आपको बताऊंगी लहसुन। आप 2-3 लहसुन लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा पानी में आप इसको मिक्स करिएगा और पिंपल्स में लगाइए। उसके जब ये सूख जाए उसके बाद आप इसको धो लीजिएगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको पिंपल्स आपके बैठ जाएंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी शहद। शहद में एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। आप शहद को पिंपल्स में लगाइए, चाहे तो आप पूरे चेहरे पर लगाइए और जब ये सूख जाए तो आप इसको ठंडे पानी से मुँह धो लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी गुलाब जल। गुलाब जल पिंपल्स के साथ साथ चेहरे के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आप गुलाब जल लीजिएगा, 2 चम्मच गुलाब जल में 1 चम्मच चंदन पाउडर मिलाइए, उसका पेस्ट बना लीजिए और पिंपल्स के साथ साथ आप पूरे चेहरे पर लगाइए। जब ये आपका पेस्ट पूरी तरीके से सूख जाए उसे आप ठंडे पानी से धो लीजिएगा। आप देखिएगा आपको पिंपल्स, आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ करते हैं तो आपको पिंपल्स में बहुत आराम मिलेगा। अब अगला मैं आपको बताऊंगी नीम के बारे में। आप नीम के पत्ते लीजिएगा और उसे धूप में सुखाइए। धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और उसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच नीम पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच गुलाब जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेना है और उसको चेहरे पर लगाइएगा। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा मुहासों में। आप हफ्ते में इसको 2 से 3 बार यूज़ करें, बहुत आराम मिलेगा आपको, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिन में 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना है। इसके साथ साथ में आपको जंक फूड, ऑयली फूड और फास्ट फूड का कम से कम खाने में यूज़ करना है और आप चाय कॉफ़ी का भी कम से कम यूज़ करें। दिन में 1 या 2 बार ही चाय कॉफ़ी लें। अब मैं इसके बाद बात करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन मुहासों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब मैं आपको नाम बताना चाहूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन के जो मुहासों के लिए बहुत अच्छे हैं।
पहली मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम स्पेसिफिक मेडिसिन है मुहासों के लिए। आप इसका मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं, जो एक चौथाई कप पानी में 15 बूंद डालकर आप दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। ये मुहासे के साथ साथ स्किन की कई बीमारियों को भी दूर करता है। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको काली म्यूर के बारे में। काली म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो छोटे छोटे पस होते हैं, छोटे छोटे पस के साथ मुहासे होते हुए, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत असर करती है। अब मैं बताऊंगी हिपर सल्फ के बारे में। काली म्यूर तो छोटे छोटे पस के लिए है, हिपर सल्फ बड़े बड़े पस होते हैं, पेनफुल होते हैं, उसमें हिपर सल्फ काम करती है। इसके बाद है काली म्यूर, वो काली ब्रोम। काली ब्रोम में पिंपल्स के साथ साथ ब्लैक स्पॉट्स हो तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब आते हैं नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर के पेशेंट की स्किन बहुत ड्राई होती है, बालों में डैंड्रफ होते हैं, एनेमिक होते हैं और साथ ही साथ में पिंपल्स होते हैं। ये नेट्रम्यूर के पेशेंट को सॉल्ट की डिजायर होती है। इस पेशेंट को नेट्रम्यूर से पिंपल ठीक होते हैं। अब बात करते हैं सल्फर। सल्फर मेडिसिन जो कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जिसने मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो, उसके बैड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए सल्फर मेडिसिन देते हैं। और इसकी स्किन बहुत ऑयली होती है, इसमें जो मुहासे होते हैं वो पस वाले होते हैं, पेनफुल होते हैं, आप इसमें सल्फर दे सकते हैं। अब सैंग्यूनेरिया के बारे में बताऊंगी। सैंग्यूनेरिया जो है मेडिसिन, अगर पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स से पहले या बाद में अगर पिंपल्स हो तो आप ये सैंग्यूनेरिया दे सकते हैं। बोविस्ता ही एक ऐसी मेडिसिन है जो कॉस्मेटिक के ज़्यादा यूज़ करने के कारण अगर मुहासे हुए हो तो आप ये बोविस्ता दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी, ऐसी इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं मुहासों के लिए, और आप अच्छे होम्योपैथ से ही कंसल्ट करके मुहासों का ट्रीटमेंट लें। अगर आप अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप हमसे या आपके आसपास में जो भी होम्योपैथ डॉक्टर हो, अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर, आप उनसे कंसल्ट करके ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको मुहासे के बारे में बताया है। अब ऐसी ही बहुत सारी सौंदर्य समस्याएं हैं जो आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन आज के लिए मेरा यही टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।